हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि फैब्रिक का सिलेबस के हिसाब से टोन किसे बोलते हैं, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्रेंड। तो बहुत ही इजी करके आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए, जो टोन होता है वो आप लोग एक कलर को बोल सकते हो। जैसे कि हम लोगों को जो लाइट आता है ना, किसी भी जगह मानिए, जैसे कि ये हमारे हाथ में एक लाइट आ रहा है, इस जगह में एक अलग से लाइट, इस जगह में अलग से लाइट, जैसे कि हमारा जो वॉल्यूम होता है हाथ का, तो उसी हिसाब से अलग अलग जगह में वो लाइट हम लोगों को अलग से तरीका से दिख रहा है। तो वो हर एक जगह को हम लोग अलग से एक पर्दा बोलते हैं, तो वो पर्दे को हम लोग टोन बोल रहे हैं। ओके, यानी कि हमारे इस जगह में एक टोन, इस जगह में एक टोन, यानी कि आप बोल सकते हो अलग अलग कलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही कलर का हम अलग अलग टोन निकालेंगे। ओके, तो मानिए जैसे कि ये एक हमारा टोन, उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी मिला दिया इसके, ये और एक टोन, ये और थोड़ा सा कर दिया, ये और एक टोन है, और कर दिया, ये और एक टोन है, और थोड़ा सा धो दिया है, और एक टोन है, ये और एक टोन है। देखा फ्रेंड, इसी तरह डीप से लाइट करके ये टोन होता है। मगर टोन का जो अलग से थियोरी है, जो हर एक कलर के साथ हम ग्रे पांस करो तो वो टोन निकल आता है। मानिए जैसे कि जो क्रिम्सन होता है, ग्रे कलर ब्लैक एंड व्हाइट पांच करने के साथ साथ इस कलर का कोई भी कलर एक ले लीजिए, उसके साथ वो मिला दीजिए, इसी तरह करते करते वो भी एक टोन होगा। मगर हम लोग जो फैब्रिक कोर्स करेंगे तो वो तरीका तो हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ ये भी तरीका जानेंगे, क्योंकि एक ही कलर को हम वाटर देकर, यानी कि विथ वाटर, आप लोग सिलेबस में देखेंगे विथ वाटर देकर हम लोग इसी तरह ही करते हैं। तो अब आते हैं, चलो लाइट में जाइए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है, वाइट होता है, उसके बाद थोड़ा सा कलर होता है दे दीजिए, थोड़ा सा और डीप होता है दे दीजिए, थोड़ा सा और उसमें रेड डाल दीजिए दे दीजिए, उसके बाद अब डायरेक्टली रेड दे दीजिए, ये अब अलग बात है। ये दो तरीका करने का स्टाइल आप लोगों को पकड़ना है। हाँ, अगर अपने जो कलर शेडिंग करके करें, हर एक कलर के साथ आप ग्रे पांच करके करें, तो भी वो शेडिंग ही निकल आएगा ना। क्रिम्सन के साथ ग्रे पांच करेंगे, थोड़ा सा कम ग्रे पांच करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कम पांच करेंगे ग्रे, तो ग्रे का जो एक वैल्यू रहता है वो तो नेचुरली रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रे ज़्यादा कम मिलाने से वो अलग से कलर होता है। फिर से वही बात है, ग्रे को फिक्स रखिए, क्रिम्सन को चेंज करते करते जाइए, वो भी अलग से टोन बनेगा। तो बन रहा है ना सभी टोन, तो इसे हम टोन बोल रहे हैं। और इसके ऊपर नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरीक़े से हम लाइट से जा रहा है और डीप से भी जा रहा है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है फैब्रिक करने में, चाहिए आप रियलिस्टिक पेंटिंग वगैरह कुछ भी ड्राइंग वगैरह करें। और एक बात मैं बता दूँ फ्रेंड, ये कोर्स करके आप लोग ड्राइंग का भी बहुत कुछ आप लोग जान सकते हो, यानी कि हम लोग जो आर्ट कॉलेज में जो लोग सीखते हैं ना, उनका जैसा आप लोगों को नॉलेज बन जाएगा, ये इतना डिटेलिंग बता रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, शो रहते हैं, गुड नाइट।